हेलो यूट्यूब। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ चली गई थी। कहीं नहीं गई थी, घर पे ही थी। और आप लोग सोच रहे हैं मैंने वीडियोस क्यों नहीं बनाए। बात कुछ ऐसी है कि कभी कभी होता है, आप देखना, हर किसी के लाइफ में होता है। यू बिकम अपसेट किसी भी बात पे, मतलब डजन हैव टू बी अ डजन हैव टू बी अ रीज़न, यू नो, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होता है और आप दुखी हो जाते हो सम वे द अदर। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी अपसेट होने वाली, लेकिन और आई बिकेम अपसेट एंड आई वॉज अपसेट फॉर एन एंटायर वीक। तो जिसके वजह से मैंने एक भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। आई कम्प्लीटली अबैंडन्ड एवरीबॉडी, बट दैट सर्टनली वॉज़न्ट द इंटेंशन। लाइक आई सेड, यू नो, अचानक से ही कोई बात नहीं रहता है, लेकिन आप यू नो यू बिकम अपसेट। तो ऐसी थोड़ी अपसेट थी, बट मुझे लगा कि अगर बहुत ज़्यादा अपसेट रही तो इट विल स्लोली एंड स्टडीली स्टार्ट ईटिंग मी अप फ्रॉम इनसाइड। तो इसीलिए आई जस्ट मैंने उस जिस जिस बात पे मैं अपसेट थी उसको मैंने, ऐसा कोई पर्टिकुलर बात नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब वट एवर वॉज जो था, जो भी था, जो मुझे दुखी बना रहा था, उसको मैंने हटा दिया है ज़िंदगी से। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। और है कुछ ऐसी सारी बातें जो मैं स्लोली एंड स्टडीली आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी मैं बर्तन मांज रही थी। जी हाँ, मेरे घर पे मेड नहीं आती है, सो आई डू ऑल माई हाउस होल्ड वर्क। मैं खुद ही करती हूँ, कोई मेड नहीं आती है। ऐसा नहीं है मैं मेड अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं रखना पसंद नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मैंने मेरे पिछले जो मेड्स थे, आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस विद देम। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी मैं घर का काम खुद ही करती हूँ। एंड आई मुझे वो बहुत मेरे टाइम पास भी हो जाता है, मेरे वीडियो के लिए भी वो काम आ जाता है, एंड आई एन्जॉय डूइंग इट। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो कम्प्लेन्स। तो चलो आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं फिर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आई एम डूइंग द डिशेज राइट नाउ। तो मतलब शाम का टाइम है, तो अपने ही मन में कभी कभी गाना गाते गाते बर्तन धो लेती हूँ। और मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता बर्तन धोना, मतलब बाप रे बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन अब खाना खाया है तो बर्तन तो झूठा होगा, अगर झूठा होगा तो उसको धोना तो पड़ेगा। तो वही सब चल रहा है। और इसके बाद शायद नेक्स्ट क्लिप में आपको मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लिप्स एक साथ कंपाइल किया गया है। तो एक एक दिन का पूरा वीक, द एंटायर वीक मैंने थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग किया है, वही सब कंपाइल करके मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो लेट्स गो अहेड एंड एंजॉय दिस लिटिल क्रेजी वीडियो।
ये मेरे घर के नीचे वाला एरिया है जहाँ पर आई हैव लोड्स ऑफ स्पेस वेर आई कैन वॉक, और यहाँ मैं ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ मेरे दोस्त लोगों के साथ, या तो कोई नहीं रहता मैं अकेली कर लेती हूँ, और थोड़ा ब्रिस्क मतलब मॉर्निंग इवनिंग आ जाती हूँ करने के लिए, और उसके बाद थोड़ा जिम विम भी कर लेती हूँ जो इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑफ आर अपार्टमेंट। तो एरिया बहुत सुंदर है, मतलब चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैंगो ट्रीज़ है, फिर इमली का ट्री है, तमरिंदो टैमरिंड का ट्री है, फिर और भी अमरूद का पेड़ है, तो बहुत सारे पेड़ है से हैं चारों ओर बाउंड्री के, ताकि फल भी हो और ग्रीनरी भी मेंटेन रहे। और ये जो एरिया आप देख रहे हो सामने का, ये थोड़ा बैठने का जगह है, यहाँ पर शाम को बहुत सारे अपार्टमेंट के लोग आके नीचे बैठ के यहाँ पर थोड़ा हंसी मज़ाक गपशप ये सब चलता रहता है इधर। और ये है, ये एक बेसमेंट है, इसके नीचे भी और एक बेसमेंट, जैसे आप देख सकते हो चारों ओर पूरा पेड़ से कवर्ड है, तो अच्छा ही है, अच्छा लगता है शाम को, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, और अर्ली मॉर्निंग को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर चलना। अभी जो आप देख रहे हो ये मेरा अपार्टमेंट का फ्रंट फ्रंट नहीं बोलूँगी साइड का पार्ट है, एंड सॉरी, और दिस इज़ एन एम्पी थिएटर, जैसे आप देख रहे हो सीढ़ियाँ लगा हुआ है, और यू कैन सिट एंड वॉच द यू नो एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम और फंक्शन। तो यहाँ पर ये बाजू में है चिल्ड्रन प्ले एरिया, और उसके पास में है गजीबो, एंड गजीबो के एग्जैक्टली पास है बारबेक्यू एरिया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बारबेक्यू भी करते हैं, और एम्पी थिएटर बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम लोग ने फ्लैग हॉइस्ट किया था 15 अगस्त को, 26 जैन को भी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा फंक्शन किया था, और यहाँ पर मतलब बहुत सारे शोज हम लोग करते हैं। और अभी मैं कर रही हूँ जिम, यही है मेरे अपार्टमेंट का जिम, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है टू वर्कआउट, बट वॉट एवर जो भी है मतलब काफ़ी है मुझे लगता है, और यहाँ मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने एवरी डे। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत सारे लड़का लड़के लड़कियाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दे कम एंड वर्कआउट हियर, और ये करने के बाद मैं थोड़ा ट्रेडमिल भी करूँगी, तो और थोड़ा फ्री हैंड भी करती हूँ, तो अच्छा ही है। मुझे तो लगता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबको ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, और इससे थोड़ा आप हेल्दी भी रह सकते हो विथ हेल्दी डाइट एंड विथ हेल्दी लाइफ स्टाइल, नॉट जस्ट टू लुक ब्यूटिफुल बट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, मतलब हेल्दी रहने के लिए भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सिर्फ सुंदर लगने के लिए करना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए करना चाहिए, दैट विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। और बस यही अभी कर रही हूँ, इसके बाद घर जाके थोड़ा रेस्ट।
अगर आप मुझे हर एक वीडियो क्लिप पे डिफरेंट डिफरेंट अटायर में देख रहे हो, इसका रीज़न एक ही है कि ये जो वीडियो मैं आज छोड़ रही हूँ, इसमें पूरे वीक का व्लॉग्स लिया हुआ है। मतलब हर एक दिन मैं थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग करी और उसको कंपाइल करके आज निकाल रही हूँ। दैट्स द ओनली रीज़न यू आर सीइंग मी इन डिफरेंट अटायर। और ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी आ गई है। तो मतलब यू मतलब इन द मॉर्निंग यू नीड टू वेयर सम स्वेटर और सम विंड चीटर, बट ड्यूरिंग द डे इज़ प्रिटी हॉट, सो कुछ भी पहनने का ज़रूरत नहीं है। और स्प्रिंग इज़ ऑन इट्स वे, तो मेरी भी थोड़ी स्प्रिंग क्लीनिंग होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल सुहाना मौसम है। तो हाय, तो अभी मैं जो बना रही हूँ वो है, जैसे आप देख सकते हो, मैं दूध उबालने दी हूँ। सो इसको उबाल के मैं इसका कस्टर्ड बनाऊँगी। तो मैं आज कस्टर्ड बनाने वाली हूँ, उसका रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप देखिए मैं कस्टर्ड कैसे बनाती हूँ। और आपसे और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स नहीं बोलूँगी, सुनने में और लग रहा है, यूट्यूब फ्रेंड्स वो अच्छा लग रहा है। तो मेरे बहुत सारे यूट्यूब फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है कि ये मुझसे ये सवाल किया है कि मैं मतलब मेरे फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। तो बोलने का तो बोल सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं उसे थोड़ा राज रखती हूँ। तो वो डिटेल्स मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, ठीक है? तो अभी इसको थोड़ा राज रखने देते हैं, थोड़ा यू नो सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि मैं किसके साथ रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, मैं लिव इन करती हूँ, क्या है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़े दिनों के बाद, ठीक है? अभी फ़िलहाल उसको सस्पेंस रखते हैं, ठीक है? और आप सब लोग को पता है मैं कहाँ रहती हूँ, मैं बेंगलोर में रहती हूँ। लेकिन फैमिली में कौन है ये किसी को नहीं पता, और अभी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे इसका राज खोलूंगी, और लिविंग करती हूँ नहीं करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल कस्टर्ड बनाते हैं। तो ये मेरा कस्टर्ड बन रहा है, दूध को थोड़ा उबालूंगी, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब दूध उबालो, थोड़ा शक्कर डालो उसमें स्वाद अनुसार, फिर कस्टर्ड जो पाउडर मिलता है बाज़ार दुकान में ख़रीदने के लिए वो डाल दो, और इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहो ताकि उसका लम्प्स ना बने। एंड जब ये कस्टर्ड कूल हो जाएगा, देन यू ऐड द फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आई विल मेक दिस एंड आई विल शेयर इट विथ माई टू स्वीट नेबर्स। मेरे नेबर हैं, मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं दो, और बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं मुझे। तो उनके लिए ये स्वीट डिश मैं बना रही हूँ और उनके साथ शेयर करूँगी। तो चलो कस्टर्ड बना लेते हैं। तो ये कस्टर्ड पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये वेनेला फ्लेवर वाला है। तो इसको मैं पहले क्या किया, वाटर में इस पाउडर डाल के इसका लिक्विड बना लिया है, और इसी लिक्विड को मैं ये उबला हुआ दूध के ऊपर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। तो अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है, अभी मैं इस लिक्विड फॉर्म को डाल रही हूँ दूध के साथ, और इसको कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी ताकि वो लंपी ना बन जाए। और ये जब पूरा डाल दूंगी, उसके बाद मैं गैस को ऑन कर लूँगी, सिम में रखूँगी और इसको पकाऊँगी। आप इस ये वेनेला डालने से पहले चीनी डाल देना अपने स्वाद अनुसार, और टेस्ट करके देख लेना कि वेनेला का जो आप कस्टर्ड डाले हो उसका टेस्ट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है स्मेल थोड़ा कम आ रहा है, कस्टर्ड का उतना स्मेल नहीं आ रहा है, दूध का ही स्मेल डोमिनेंट है, तो आप थोड़ा सा लिक्विड फिर से बना सकते हो, पानी में कस्टर्ड पाउडर डाल के उसका लिक्विड फिर से बना के उसमें डाल दो, ताकि यू नो कस्टर्ड का स्मेल थोड़ा डोमिनेंट रहे।
तो वही मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कम हो गया था, और नाउ इट इज़ फाइन, अभी ये पूरा बन गया है। और मैं अभी गैस को ऑन करके सिम में रख के अभी इसको पकाती रहूँगी ताकि थोड़ा अच्छा से ये मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाएगा ना, आपको दिखाऊंगी मैं इसका कंसिस्टेंसी, थोड़ा थिक हो जाता है, लाइक दूध का जैसे कंसिस्टेंसी रहता है वैसे नहीं रहता है, वो थोड़ा थिक हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो ऐसे कंसिस्टेंसी से होना चाहिए। और ये है शीन चचड़ी। हाँ, शीन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैंने शीन को आलू के साथ, टोमेटो और चिली के साथ थोड़ा सा शुगर डाल के बनाया है। ये है शिमेर चचड़ी, बंगाली में शिमेर चचड़ी बोले, मतलब शिमेर करी। करी भी नहीं है ये, थोड़ा मतलब फ्राई फ्राई की जैसा ही है, थोड़ा सा करी जैसा है, मतलब करी आपको दिखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये है एकदम टिपिकल बंगाली डिश, आज मैंने पकाया है। हाँ, तो आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, मे द ऑड्स बी एवर इन योर फेवर।